been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. हेलो गाइस, वेलकम टू तेज मीडिया न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एंटमैन द बस की रनिंग टाइमिंग के बारे में और देन एवेंजर 4 के टाइटल के बारे में, ऑफिशियली टाइटल, जी हाँ, जो कि आपको रिवील्ड हो जाएगा एंटमैन द बस के पोस्ट क्रेडिट सीन में। और देन एंटमैन की रनिंग टाइमिंग की बात करें, जो कि अभी हाल ही में पता चला है, वो है 1 घंटा 56 मिनट की, यानी कि 158 मिनट। तो ये काफ़ी रनिंग टाइमिंग कम है, क्योंकि काफ़ी फैंस नाराज हैं कि इतनी कम रनिंग टाइमिंग रखने से हमें मज़ा नहीं आएगा। यार, ज़रूरी थोड़ी है कि 2 घंटे 16 मिनट की या आधे घंटे की पिक्चर हो, पिक्चर में मज़ा आएगा, एमसीयू की पिक्चर है। और फाइनली एंटमैन द वास्प काफ़ी फैंस इंतजार भी कर रहे हैं, तो ये मूवी अच्छी जाएगी। उसके बाद आपको टाइटल कैसे पता चलेगा एवेंजर 4 का? तो जैसा कि आप एमसीयू की हर मूवी देखने जाते हो तो एंडिंग में लिखा होता है थॉर विल बी रिटर्न, कैप्टन अमेरिका विल बी रिटर्न, टोनी स्टार विल बी रिटर्न, स्पाइडरमैन विल बी रिटर्न। तो ऐसे ही आपको पता चलेगा एंटमैन द वास्प विल बी रिटर्न एवेंजर इन्फिनिटी वॉर गॉटलैंड। जी हाँ, तो ये ऑफिशियल टाइटल आपको पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद देखने को मिलेगा, जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, और यहीं से आपको टाइटल पता चल जाएगा। और फाइनली उसके बाद कैप्टन मार्वल, फिर एवेंजर 4। तो गाइस, ये है आज की न्यूज़। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर एंटमैन के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।